हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त सुनील शुक्र, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले एक और नया लीट कोड का प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम का नाम क्या है, फाइंड ऑल द डुप्लीकेट इन एन एरे। और इस प्रॉब्लम को मैं आप सभी को पढ़ के बताता हूँ क्या है। गिवन एन एरे नम्स ऑफ लेंथ एन, वेयर ऑल द इंटीजर्स ऑफ नम्स आर इन द रेंज 1 to n, एंड ईच इंटीजर अपीयर्स वंस और ट्वाइस। रिटर्न एन एरे ऑफ ऑल द इंटीजर डैट अपीयर्स ट्वाइस। यू मस्ट राइट एन एल्गोरिदम डैट रिटर्न्स बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यूजेस बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉन्स्टेंट इज द स्पेस। तो इसमें अपने को क्या करना है, बेसिकली उन्होंने एक एरे दिया रहेगा 1 to n साइज का, 1 to n रेंजेस का एक एरे रहेगा। और उस एरे में या फिर ऐसे नंबर्स होंगे जो एक बार आए होंगे, या फिर ऐसे नंबर होंगे जो दो बार आए होंगे। तो अपने को जो दो बार नंबर्स आए हैं, मतलब रिपीट हुए हैं, उनको रिटर्न करना है। जो भी दो बार आए हैं उनको रिपीट हुए हैं उनको रिटर्न करना है। जैसे यहाँ पे बात करें, उन्होंने एग्जांपल दिया है, और ये जो काम करना है वो हमें कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस में करना है, मतलब स्पेस ज़्यादा नहीं लेना है, एक ही कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस लेना है। और बेसिकली बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करना है। हम यहाँ पे कंस्टेंट भी एनालिसिस करें तो कंस्टेंट से पता चलता है 10^5, मतलब कि 10^6 तक के ऑपरेशन हम कर सकते हैं। बेसिकली 1 सेकेंड में रन करना होगा कोड को। तो लेट से 10^5 है, मतलब हम इस सॉल्यूशन को एन लॉग एन तक लेके जा सकते हैं। तो हम इसको एन लॉग एन तक लेके जाके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसे हमें कंस्टेंट से समझ में आया। तो अब पहले एक बार चेक कर लेते हैं इसका एग्जाम्पल्स, मैं आप सभी को समझाता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्या था। ओके, तो यहाँ पे एक एरे उन्होंने दिया है, जैसे कि उन्होंने बोला जो भी डुप्लीकेट है, मतलब ट्वाइस आए, उनका हमें रिटर्न करना है। लेट्स से यहाँ पे हम चेक करते हैं, 4 यहाँ पे नहीं आया डबल, 3 आया है डबल, तो 3 यहाँ पे है, 2 की बात करें तो 2 भी आया है डबल, तो 2 यहाँ पे है। तो ओके, और ये शॉर्टेड ऑर्डर में ही रहा है इसका देखा। तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, मैं पहले आप सभी को अब अप्रोच बताता हूँ किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, विदाउट विथ यूजिंग कॉन्स्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस एंड लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा अप्रोच है कि ये जो भी जो एरे आप सभी को दिया जाएगा, उस एरे को आप सभी को क्या करना है, उस एरे को आपको बेसिकली नहीं यहाँ पे आता, उस एरे को आपको पहले शॉर्ट करके लेना है। लेट से मैंने यहाँ पे शॉर्ट करके ले लिया। शॉर्ट करने के बाद आप सभी को सिंपल सा दो वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, एक करंट वेरिएबल, मतलब क्या करंट इन लेट से करंट वेरिएबल क्या करने वाला है मैं आप सभी को बाद में बताता हूँ, और दूसरा वेरिएबल है काउंट। अब मैंने शॉर्ट कर लिया तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, जो भी डबल डबल आ रहे नंबर्स उनका वो एक एडजेसेंट आने लगेंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, मैं अब क्या करूँगा, एक लूप लगाऊंगा और लूप में देखूंगा कि करंट वेरिएबल को मैं पहले इससे इनिशियलाइज किया हूँ 1 से। ओके, तो मैं अब लूप में देखूंगा कि करंट वेरिएबल और अभी का जो वेरिएबल है, अभी लूप का जो फर्स्ट कैरेक्टर है, इक्वल है क्या। इक्वल होगा तो मैं क्या करूँगा, काउंट को +1 कर दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में जब जाऊंगा अब मैं चेक करूंगा कि करंट वेरिएबल और नेक्स्ट वेरिएबल मैच हो रहा है क्या। इफ़ वो दोनों मैच नहीं हो रहा है, मतलब क्या है कि नेक्स्ट वेरिएबल, मतलब क्या है, डुप्लीकेट उसका नहीं है, राइट। डुप्लीकेट नहीं है तो मैं करंट वेरिएबल को चेंज करके फिर इसके इक्वल कर दूंगा। ओके, अब करंट वेरिएबल की साइज़ होगी, करंट वेरिएबल हो गया है मेरा 2, और काउंट की वैल्यू मेरी फिर से मैं 0 कर दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैंने जब चेक किया तब मेरा वो बेसिकली मिला नहीं, रिपीट नहीं हुआ, तो करंट वैल्यू को मैंने फिर से 0 कर दिया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, अब नेक्स्ट टाइम अब यहाँ पे लूप जाएगा, जब यहाँ पे लूप जाएगा तब वो चेक करेगा करंट वेरिएबल 2 था और नेक्स्ट उसका लूप का काउंटर भी 2 पे है, मतलब 2 2 आ रहा है डबल। तो मेरे को अब क्या करना है, काउंट को बढ़ा के 2 करना है। तो काउंट को बढ़ा के मैं 2 करूँगा, इफ़ अब लास्ट में चेक लगा दूंगा कि इफ़ काउंट की वैल्यू 2 है तो मतलब क्या उनका डुप्लीकेट बन चुका है। तो इस तरीके का काम अपने को करना है, ये बेसिक सा अप्रोच अपने को लगाना है। तो प्रोग्राम में देखते हैं और इसे पहले सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक वेक्टर डिक्लेयर करके लेने पड़ेगा जहाँ पे हम आंसर को स्टोर कर सकें। ओके, अब इस वेक्टर को हमने डिक्लेयर कर लिया। अब हम यहाँ पे पहले से ही 2 कंडीशन लगा के रख देंगे कि इफ़ इफ़ नम्स की साइज, नम्स डॉट साइज साइज इक्वल्स टू उसकी इक्वल टू इक्वल टू 1 है, देन हम रिटर्न डायरेक्टली कर देंगे न आंसर को। ओके, और एक और कंडीशन लगाएंगे, इफ़ नम्स
डॉट साइज, इससे क्या ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा होगा। टू है, टू है तो अपने को सिंपल सा एक काम करना है कि इफ चेक करके लेना है, इफ नम्स, नम्स ऑफ आई, सॉरी नम्स ऑफ जीरो, सॉरी नम्स ऑफ जीरो, ओ माय गॉड, नम्स ऑफ जीरो इक्वल टू, इक्वल टू है क्या नम्स ऑफ वन के। इफ है तो रिटर्न, रिटर्न नहीं करना है अपने को यहाँ पे, पहले क्या करेंगे पुश करेंगे, आंसर डॉट पुश, पुश बैक क्या करेंगे नम्स ऑफ जीरो, मतलब वो दोनों इक्वल है तो आपको, हमको आंसर में डालना है, राइट। आंसर में डाल के हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे आंसर। ओके, ये अब दो साइज का हो गया। एल्स, एल्स ये सभी नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम एल्स इफ भी लगा सकते थे। ओके एल्स इफ लगा देते हैं, तो एल्स, एल्स हम क्या करेंगे, एल्स हमें क्या करना था, मैंने क्या बोला पहले शॉर्ट करेंगे उस एरे को, शॉर्ट, शॉर्ट करते हैं किसको, आंसर को, नहीं शॉर्ट करेंगे नम्स को, नम्स जो आ रहा है, नम्स डॉट बिगिन कॉमा नम्स डॉट एंड, पूरा का पूरा इसे शॉर्ट हो जाएगा। ओके और ये सबसे कम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, लॉग इन या फिर एन लॉग इन आईडी से रहता है वो कॉम्प्लेक्सिटी लेगा। उसके बाद आपने को क्या करना है, आप एक फॉर लूप, उसके बाद दो वेरिएबल चाहिए थे, करंट, करंट डेटा बोलते हैं मैं उसको, करंट डेटा इक्वल्स टू वन, करंट डेटा इक्वल टू नम्स का पहला वाला, और काउंट को हम अभी इनिशियली जीरो रखेंगे। ओके अब फॉर लूप लगाएंगे पूरा उसको, नम्स को आइट्रेट करने के लिए, नम्स ऑफ जीरो, नो सॉरी आई लेस देन नम्स ऑफ, नम्स ऑफ साइज, ओके वेट साइज, साइज एंड आई प्लस प्लस। आप सिंपल सा काम करना है अपने को, अब अपने को क्या करना है कि पहले क्या करना था, अब मैं चेक करूँगा कि इफ करंट जो है, करंट डेटा जो इक्वल टू है क्या, इक्वल टू है क्या नम्स ऑफ आई के, इफ इक्वल टू है तो काउंट को हम प्लस प्लस कर देंगे। ओके एल्स इफ, एल्स नहीं तो एल्स, इफ इक्वल नहीं है, इफ इक्वल नहीं है तो मतलब क्या करना है अपने को, इक्वल नहीं है मतलब क्या, डेटा, करंट डेटा और नम्स इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे मेरे को सोचना पड़ेगा कि पहले अब इक्वल नहीं था तो अपन क्या करने वाले थे, इक्वल नहीं है मतलब क्या, काउंट को बढ़ाना नहीं है, काउंट को फिर से वो करना है, और करंट डेटा को चेंज करके, करंट डेटा को चेंज कर करके नम्स ऑफ, नम्स ऑफ आई कर देंगे, करंट डेटा को चेंज करके नम्स ऑफ आई कर देंगे क्योंकि इक्वल नहीं है, और काउंट को फिर से हम क्या कर देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे वन से, वन से या फिर जीरो से, लेट्स सी। यहाँ पे एक एग्जांपल पे जाते हैं फिर से, हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आया मैं, लेट्स से यहाँ पे आया, काउंट था मेरा अभी जीरो, यहाँ पे जब आया मैं काउंट का था मेरा जीरो, अब मैं यहाँ पे आया तो काउंट को मैं क्या कर दूंगा वन, इफ नॉट इक्वल टू है तो मेरे को काउंट को वन करना है, यस राइट, काउंट को वन कर दूंगा, काउंट को मैंने वन कर दिया। ओके ठीक है, आई गेस पूरा कोड हो गया, अब मैं लास्ट में रिटर्न कर दूंगा। ओके लास्ट में हमको रिटर्न करना है, रिटर्न आंसर, लेट्स सी, रन करते हैं, थोड़ा बहुत तो चेंजेस होंगे तो भी पता चल जाएंगे। ओके क्या प्रॉब्लम आया, नम्स डॉट एंड शॉर्ट एक्सपेक्टेड व्हाट, व्हाट आई डिड रॉन्ग, आई एम सर्चिंग नम्स डॉट बिगिन, नम्स डॉट एंड, या ऑल थिंग इज राइट, 43 लाइन नंबर 15, व्हाट आई हैव डन रॉन्ग, लेट मी सी, दिस और दिस एंड दिस और दिस एल्स, ओके 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 वी हैव गिवन रॉन्ग ब्रैकेट्स, ओके लेट्स रन इट अगेन। ओके व्हाट हैपन यूज ऑफ, ओके वी हैव नॉट डिक्लेयर, अब इसको हमने फिर से डिक्लेयर कर लिया, ठीक से हो जाती गलती, अब मैंने फिर से डिक्लेयर कर लिया, लेट्स रन इट,
यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है मतलब। और हमने एक कंडीशन लगाना भूल गए कि इफ़ इफ़ अपने को एक कंडीशन लगाना भूल गए थे कि इफ़ काउंट काउंट इक्वल्स इक्वल टू टू है तो हमको पुश करना भी बाकी है अभी। आंसर में तो वैल्यू पुश ही नहीं किए ना, तो वो एम्प्टी आ रहा था इसलिए आंसर, ओके तो इसलिए आंसर एम्प्टी आ रहा था। आंसर डॉट पुश बैक, पुश अंडर स्कोर बैक, पुश बैक क्या करेंगे, पुश बैक नम्स ऑफ आई को। ओके लेट्स सी देन, अब ये वर्क करना चाहिए। इक्वल टू जब टू आया तब का वैल्यू हमने इसमें डाल दिया। अब रन करते हैं, लेट्स सी। लॉजिक तो अभी सही है, या एक्सेप्ट हो गया सभी। अब हम सबमिट करके देखते हैं इसको। सबमिट, या इट्स गॉट सबमिटेड। तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हो सबमिट हो गया है, और यहाँ पे ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने दे चुके हैं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए हमने कुछ नहीं किया है, पहले कि हमने चेक किया है साइज़ 1 रहेगी तो आंसर को रिटर्न करेंगे, साइज़ 2 रहेगी तो चेक कर लेंगे पहला और दूसरा कैरेक्टर सेम है क्या, एल्स शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने के बाद डेटा को पहले स्टोर किया करंट वाला, और नम्स डॉट साइड का लूप लगाया और चेक किया इफ़ करंट डेटा इक्वल्स टू है नम्स ऑफ 0 के, नम्स ऑफ पहले वाले। इफ़ डेटा सेम रहेंगे तो काउंट को बढ़ाना है, इफ़ डिफरेंट है तो करंट डेटा को चेंज करना है और काउंट को फिर से 1 के इक्वल कर देना है, मतलब पहले से इनिशलाइज कर देना है, और काउंट को फिर से चेक करना है कि 2 के इक्वल है क्या। 2 के इक्वल होगा तो बेसिकली अपने को उसके इक्वल है, मतलब कि बेसिकली उसका काउंट 2 बार आ रहा है तो हम उसको पुश कर दिए यहाँ पे आंसर में, और मतलब वो आंसर अपने आंसर होगा। तो इसके बहुत सारे भी सॉल्यूशन हो सकते थे, लाइक वो सॉल्यूशन मैंने तो दूसरा एक और मेरे पास सॉल्यूशन था कि एक एरे बनाएंगे हैश मैप के जैसा, और उसका लेंथ रखेंगे हम, उसका लेंथ लगते थे इतना लेंथ 10 to the power 5 तक का, और वो 10 to the power 5 तक का यस लेंथ रखते थे हम क्योंकि नम्स ऑफ उसमें 10 to the power 5 तक की वैल्यू आएंगे उसको, और हम उसको एज इंडेक्स कंसिडर करते हैं और जो भी वैल्यूज यहाँ पे इनकाउंटर्ड होते हैं उसको स्टोर करते रहते हैं और उसका काउंट बढ़ाते रहते हैं। ये सिंपल सा आइडिया था, पर उसमें एक्स्ट्रा स्पेस लगता था क्योंकि दो टाइप्स के वेरिएबल, दो टाइप्स के वेक्टर डिक्लेयर करने पड़ते हैं, एक हैश का एक आंसर का। दैट्स वाई मैंने वो वाला सोल्यूशन को नहीं यूज़ किया क्योंकि वो प्रॉ सोल्यूशन सबमिट नहीं हो रहा था। मैं आप सभी को यहाँ पे सबमिशन में जाके दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरे दो सबमिशन हैं, वो वाला सोल्यूशन जो था वो सबमिट नहीं हो रहा था। यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हो कंपाइलर एरर आ रहा था, और इसलिए बेसिकली वो सोल्यूशन मैंने आप सभी को नहीं बताया। तो ये वाला सोल्यूशन से सबमिट हुआ कॉन्स्टेंट स्पेस में, और आई गेस लॉग एन एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये सबमिट हो गया है। एन लॉग एन प्लस एन लॉग एन लॉ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करें यहाँ पे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेट्स से कि अभी लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है शॉर्टिंग के लिए, या फिर बोल सकते हैं आप एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है शॉर्टिंग के लिए, और एन नीचे वाले लूप्स के लिए लग रही है। तो ये बेसिकली लॉग एन प्लस एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपने को लगने वाली है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इफ़ शॉर्टिंग को लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही होगी सी प्लस प्लस में। हम देख सकते हैं, लेट्स से यहाँ पे हम चेक करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर शॉर्टिंग इन सी प्लस प्लस। यहाँ पे उन्होंने बोला एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, तो एन लॉग एन हम बोलेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगने वाली है अपने को एन लॉग एन प्लस एन, तो एन कॉमन आ जाएगा 1 प्लस लॉग एन। तो इसको आप लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी को एन कॉमा 1 प्लस लॉग एन। ये अपनी लास्ट बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी लगने वाली है अपने को। तो ये बेसिकली वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है 10 to the power 6 मतलब ऑपरेशंस में, मतलब 1 सेकेंड के अंदर सॉल्व हो रहा था, इसलिए इसका आंसर हम इसका इसलिए हमारा ये सॉल्यूशन सबमिट हुआ था। ओके ओके आई गेस आप सभी को सभी चीज़ें समझ में आई होंगी किस तरीके से ये कोड करना है। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।